वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया गया है और मीडियन बता दिया गया है कि 58। तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मिल रहा है 10, यानी कि एन का वैल्यू 10 है। सो हेयर एन इज इक्वल टू 10 है, जो कि एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में मीडियन होना चाहिए, मीडियन इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एन बाई 12th टर्म प्लस एन बाई 2 प्लस 1th टर्म, और मीडियन का वैल्यू है 58। 58 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एन इज 10, सो 10 बाई 12th टर्म प्लस 10 बाई 12th टर्म प्लस 1। इक्वल्स टू हो जाएगा 58 इंटू 2 मतलब कि 116 इज इक्वल टू 10 बाई 2 मतलब कि 5th टर्म, एंड 10 बाई 2 प्लस 1 मतलब कि 6th टर्म हो जाएगा, 5th प्लस 1 6th टर्म। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5th टर्म है x माइनस 1 एंड 6th टर्म है x प्लस 3। सो यहाँ पे वही पे इस्तेमाल होगा, सो इक्वल्स टू होगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म, और 116 is equal to x minus 1 plus x plus 3, और 116 is equal to हो जाएगा 2x plus 2, और 2x is equal to हो जाएगा 116 minus 2 equals to 114. Therefore, x का वैल्यू आएगा 57, और यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू।